बेसिकली आज हम एक रिंग नेक फैजेंट्स उनमें से जो मेल बर्ड है उसकी स्टफिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बड़े ही रिनाउंड टैक्सीडर्मिस्ट जहांगीर जदून साहब हैं, जो आपको ये बताएंगे कि वो कैसे स्टफिंग करते हैं। तो सबसे पहले अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, अभी वो इसको कट लगा रहे हैं ताकि जो बर्ड था, ये बेसिकली एक डेड बर्ड था, उसका जो विजरा है सबसे पहले उसको निकालना होता है, तो पहले उसको निकालेंगे। जो चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए तो वो डेफिनेटली, एक तो वो स्पेसिमन होगा, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो स्नेक है, चाहे वो कोई मैमिलियन स्पीसीज है, जाहिर है एक तो हमें वो स्पेसिमन एक रिक्वायर्ड है। देन वी रिक्वायर ब्लेड, नीडल, और जिससे आप उसको स्टिच करेंगे, और कॉटन चाहिए होगी, और वायर्स चाहिए होंगी हमें इसके लिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जाहिर है वो स्टार्ट करने से पहले वो आप वो पूरी करेंगे। Now the process of skinning is completed. हर तरह से हेड और जो बॉडी है, now it's clear and the process of skinning is completed.
कॉटन आप फिल करने के बाद और वायर्स इंसर्ट करने के बाद फिर आपने स्टिचिंग करनी है क्लोजिंग करने के लिए, बर्ड की बॉडी को क्लोज करने के लिए। आइस जगह आपने बीज यूज करने हैं। आइस की जगह आपने बीज यूज करने हैं। तो पहले जब आप फ्लैश हमने क्लियर किया था बॉडी को स्किनिंग की थी तो उसमें आइस को भी रिमूव करना होता है, तो अब आइस की जगह आप जो बीज हैं वो डालेंगे। एक ये बीड दिखाइएगा, ये जो जिससे खेलते हैं कैंचे बच्चे, वैसे एक बीड है। पोजीशन देना चाहें आप उसको दे सकते हैं, और जितनी नेचुरल पोजीशन, अगर वो सिटिंग पोजीशन है तो अगर जो भी आप लाइक करें तो वो उसको दें। तो म्यूज़ियम में हम ऐसे ही एनिमल्स को स्टफ़ करते हैं और रखते हैं, तो जितना नेचुरल हो सके
हम इसके नीचे जो स्टैंड जो हम लगा सकते हैं वो कोई वुडन पीस भी लगा सकते हैं, जो नेचुरल आई कलर है वो लगाने के लिए हम इस पर कलर लगा सकते हैं। हाँ जी दूसरी साइड पर, हाँ दूसरी साइड से, हाँ जी ऐसा। So the whole process, it would take some 25 to 30 minutes. You can prepare a bird in 25 to 30 minutes only. But if you are trained, इसको हमने एक वुडन लॉग पे खड़ा कर दिया है।
ये अब बिल्कुल रेडी है, स्पेसिमन अब बिल्कुल रेडी है। थैंक यू वेरी मच जी जुनून साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।